प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आपका एक बार फिर से हम डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करते हैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर। आज की इस रात्रि में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें इस योग्य ठहराया कि हम प्रभु की आराधना कर सके और हम मिलकर सभी भाई बहन प्रभु को धन्यवाद दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता आज के इस दिन के लिए जो प्रभु जी आपने आज का दिन हमें दिखाया, अपने सुरक्षा में रखा खुदावंद, हमें इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को दे सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी तमाम सुरक्षाओं के लिए, आपके तमाम आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, और जो पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह आपकी दया हम सब पर बनी है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन कि आज की इस रात्रि में जबकि प्रभु जी हम एक बार फिर से आपकी आराधना के लिए आपके सम्मुख आए खुदावन, हर एक को प्रभु जी जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं या आने वाले समय में प्रभु जी आपके साथ जुड़ते हैं खुदावन, प्रभु जी उन सबों को आप आशीष देना पिता, अपने अनुग्रह से भरना, अपनी बुद्धि अपने सामर्थ्य से भरना, ताकि आज के वचन का प्रकाशन खुदावन हम सब अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावन हम सभी के लिए पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर सके, ताकि प्रभु जी के वचन को हम अधिकाई से प्रभु जी अपने हृदय पर बसने दे पिता। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से आपके बेटे आपके दास के लिए खुदावन, जिन्हें प्रभु जी आपने आज के इस दिन में प्रभु जी चुना, उनके द्वारा प्रभु जी आपके वचन को हमारे बीच में बांटा जाता है पिता परमेश्वर, उस वचन के प्रकाशन को प्रभु जी हम ले सके पिता परमेश्वर, उसके अनुसार अपने जीवन को बना सके खुदावन। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं हम सभी के देह प्राण आत्मा जी को कंट्रोल रहे, आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता को मांगते हैं पिता, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर को धन्यवाद देते हर एक उन उत्तम वरदानों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सामर्थ्य के लिए, और प्रभु जी ने हमें अब तक इस घड़ी तक जीवित रखा इस उद्देश्य के साथ कि हम अपने मुख से प्रभु की आराधना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कोई थकावट नहीं, हालेलुया, कोई रुकावट नहीं परमेश्वर के वचन की सेवकाई में। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे, आप सभी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इबादत हर घड़ी हर पल हर क्षण करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब भी अवसर मिले तब प्रभु का आराधना करें। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बार फिर से यह अवसर दिया है कि मैं और आप आज परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। और मैं सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, पास्टर साहब का, विजय कुमार द्विवेदी भैया का, ब्लैक स्टोन परिवार, सिस्टर रश्मि जी का, और भी जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं। मैं हर एक भाई बहन का परमेश्वर में होते हुए इस रात्रि के समय स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम वचन में चले और फिलिपियों की पुस्तक उसका एक अध्याय और 27 पद। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक उसका एक अध्याय और 27 पद क्या फरमाता है देखेंगे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के अनुसार मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह जान सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। प्रेज द लॉर्ड। और इच्छित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। खुदा ने बड़ी खूबसूरत बातों को हमें सिखाने के लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहे हैं केवल इतना करो। हालेलुया। कितना करो? इतना सा करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे और मुझे और आपको केवल इतना करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है कि हालेलुया हमारा जो चाल चलन है, मेरा चाल चलन, आपका चाल चलन, हम सब भाई बहनों का, जितनों का चाल चलन है, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हालेलुया। मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं बड़ा प्रभु का सेवक हूँ, मैं बड़े प्रभु की सेविका हूँ, लेकिन मेरे चाल और चलन से क्या दिखाई देता है?
क्या मसीह दिखाई दे रहा है मेरे चरित्र से या मेरे चरित्र से कोई और दिखाई दे रहा है? कहीं इबलीस तो मेरे चरित्र से नहीं दिखाई दे रहा। प्रेज द लॉर्ड, मेरा चाल चलन मसीह के सुसमाचार, वो कहता सच्चाई के चाल चलो, ईमानदारी के साथ चलो और प्रभु की अगुवाई में चलो, प्रभु के दर्शन में चलो। और मैं किसके दर्शन में चल रहा हूं, मैं किसकी अगुवाई में चल रहा हूं? वो कहता सिर्फ इतना सा करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है मुझे और आपको, मुझे और आपको। धन्यवाद प्रभु के सेवक और सेविकाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और आपकी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद देता हूं भैया। तुम्हारा चाल चलन, मेरा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं बड़ा अच्छा प्रचार करता हूं, बड़ी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे चरित्र से दिखाई देता है कहीं मैं पीछे व्यभिचार तो नहीं कर रहा, कहीं मैं बुराई तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे जीवन के द्वारा ऐसा गुनाह तो नहीं हो रहा कि मैं जमीनें बेच रहा हूं या मैं कुछ और कर रहा हूं या कोई और गलत काम कर रहा हूं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे चरित्र के द्वारा दिखाई देना चाहिए कि मेरे जीवन से मसीह है। ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ मुझे और आपको चलना है। जो लोग सत्यता के साथ चलते हैं, सुन लीजिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, भले ही आप सत्यता, भले ही नहीं मतलब सत्यता के साथ आप चलते हैं, ईमानदारी के साथ आप चल रहे हैं, रुकावटें भले ही आएंगी, परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको निकासी देगा। मेरे प्रियो, निकासी आपको परमेश्वर देगा, लेकिन मैं और आप विश्वास करेंगे तब, क्योंकि मैं और आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे चरित्र के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो मेरे जीवन में रुकावट ला रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरे जीवन में रुकावट ला रही है, हालेलुया। तो मुझे वचन कह रहा है कि मेरा जीवन भी सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। जैसा मैं सच भी बोलूं, बुराई ना करूं, ईमानदारी से चलूं, विश्वास करने वाला हूं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाला हूं, परमेश्वर की बातों को लोगों को समझाऊं, हालेलुया, ये है मेरा काम। ये नहीं, मेरा काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे चाल चलन के द्वारा इबलीस दिखाई दे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस प्रेरित कह रहे हैं फिलिपो के, मैं चाहे आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं। अब प्रभु के दास कह रहे हैं कि चाहे मैं आऊं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के घर जाऊं और लोग मुझे देख करके बड़े अपने चरित्र को इतना अच्छा दिखा दें, बड़े खूबसूरती से दिखा दें कि मैं ऐसा हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो कह रहे हैं चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर की नजर में होना चाहिए, किसी मनुष्य की नजर में नहीं। कि मैं बहुत अच्छे अपने चरित्र को दिखा रहा हूं, मैं बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन लोगों के सामने, लेकिन अंदर घर के पीछे, मेरी पर्दे के पीछे की मेरी जिंदगी क्या है, लेकिन जान लो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मेरा और खुदा, मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको हमेशा लगातार देखता है, लगातार उसकी आंखें देखती रहती हैं। तो इसलिए मुझे और आपको मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना है, और खासकर प्रभु के सेवक और सेविकाओं सुन लो, कान खोल के सुनना है मुझे और आपको, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वचन सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए, पहले मेरे लिए है मेरे प्रियो, तब दूसरा किसी और के लिए। हालेलुया। पास्टर नीलिमा जयमसी की बहन, प्रभु बहुत आशीष दे। और वो कहता है तुम्हारे विषय में ये सुनूं लोगों से, तुम्हारे विषय में मैं लोगों से सुनूं, लोगों के द्वारा ये दिखाई देना चाहिए कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर, किसके पवित्र आत्मा में स्थिर हो। ऐसा तो नहीं है कभी संसार में चल रहे हो, कभी प्रभु के साथ चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, कभी संसार में कभी प्रभु के साथ। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बहुत से पासवान ऐसे लोग हैं, बहुत से प्रभु के सेवक ऐसे हैं कि जो दो रूप में चल रहे हैं। वचन सुनाने वाले इस बात को पूरी रीति से सीख लें कि वो दो रूप में ना चलें। हालेलुया। संसार में भी चलें और हम दुनिया में, संसार में भी चलें और प्रभु के साथ भी चलें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है
कि शैतान के प्याले में से और खुदा के प्याले में से हम नहीं पी सकते। हालेलुया, हम में से हमें दोनों में से एक में होना आवश्यक है। हालेलुया, तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। एक चित होकर किससे? परमेश्वर से एक चित होना, मनुष्य से एक चित नहीं होना। हालेलुया, परमेश्वर से एक चित होना। और जब परमेश्वर से मैं और आप एक चित हो जाएंगे तो सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करना। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग प्रभु के वचन के लिए बहुत दूर दूर गांवों में जा रहे हैं, जंगलों में सेवाएं दे रहे हैं, और जहां तक लोगों के पास प्रभु का वचन नहीं पहुंच पा रहा, बड़ी कठिनाई के साथ, बड़े संघर्ष के साथ, बड़े परिश्रम के साथ इस सेवा में लगे। हालेलुया, बहुत सा सामना करना है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज भी वो प्रभु की सेवा में लगातार है। परिश्रम करते रहो, खुदा कह रहा है कि परिश्रम करते रहो। वो कहता है इफिसियों की पुस्तक उसका चार अध्याय, कहता है सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं। किसमें? परिवार में तो बंधुआ नहीं है, किसमें बंधुआ है? हम प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम शुरू में तो आए, बड़ी सेवा करी, बड़े ईमानदारी के साथ चले, बढ़िया। जैसे ही हम प्रभु में आगे बढ़ते चले गए, लोगों से मांगना शुरू कर दिया, पैसे की ओर हम भागने लगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, कैसे आए थे? मेरे प्रभु को तकिया रखने के लिए, रात को सोने के लिए उसके पास घर नहीं था। वो कहता है मनुष्य के पुत्र के पास रहने के लिए स्थान नहीं है। और मैं और आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं? हमको 5-स्टार होटल चाहिए, हमको एक गाड़ी चाहिए, एसी गाड़ी में हम जाना चाहते हैं, प्लेन के टिकट में हम जाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम किस में जीवन को गुजार रहे हैं? वो कह रहा है तुम प्रभु में मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, किस बुलाहट से बुलाए गए थे? हालेलुया, किस बुलाहट से गए थे? प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, जय मसीह की। किस बुलाहट से बुलाए गए थे? प्रभु की बुला, पवित्र आत्मा की बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। और काम क्या कर रहे हो तुम? बेईमानी के काम कर रहे हो, बुरे बुरे काम कर रहे हो। जो पद तुम्हें परमेश्वर ने दिया, एक प्रभु के सेवक का पद दिया, एक सेविका का पद दिया, वो किसके अनुसार चल रहे हो? इबलीस के, शैतान के साथ साथ चल रहे हो। लालच भर गया तुम्हारे अंदर, अच्छे कपड़े चाहिए तुम्हें, अच्छी गाड़ी चाहिए तुम्हें। नहीं, मेरी आवाज में दम नहीं है, मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, मुझे बड़ा बढ़िया माइक चाहिए, वो कॉलर माइक के बिना मैं नहीं बोल सकता। कैसे नहीं बोल सकते? खुदा ने तुम्हें 10 तार का तुम्हें सांस दिया है, क्यों नहीं बजा रहे? शर्म आती है, नहीं बजाते क्यों? प्रभु ने ये दस तार का तुम्हें सांस दिया। हालेलुया, और हम किस दुनिया में गुजार रहे हैं? शर्म आती है प्रभु के वचन को बताने में। विश्वासियों, प्रभु का धन्यवाद हो, अगर आप जहां काम करते हैं वक्त मिलता है आप वचन को, बीज को बोइए। आज भी मैं कॉलेज में बात कर रहा था, लोगों ने मुझसे कहा, बात ऐसी हो रही थी इंश्योरेंस के ऊपर बात होने लगी। मैं एक गवाही दे देता हूं आपको, इंश्योरेंस की बात होने लगी और कहने लगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए और ये है वो है, दुनिया भर की चीज लोगों के टैक्स बचाने के लिए हम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने जो तुम्हें गारंटी दी है, खुदा ने तुम्हें क्या गारंटी दी है? मैं अपने डरवैयों के चारों ओर, भजन संहिता 119 में लिखा है कि मैं अपने डरवैयों के चारों ओर क्या बांध के रखता हूं? छावनी बांध के रखता हूं। हालेलुया, छावनी है तुम्हारे पास खुदा की छावनी है, लेकिन तुम अविश्वासी हो। तुम मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, मैं अन्य जाति से बात नहीं करता मेरे प्रियो, मैं विश्वासियों की बात करता हूं। जो विश्वासी लोग हैं वो अपने विश्वास में कमजोर हैं, अपने जीवित खुदा पर उनका भरोसा नहीं, वो इंश्योरेंस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्या हम इंश्योरेंस नहीं कराएं? आपका कहना है कि हम, मैंने कहा नहीं कराना इंश्योरेंस,
हेल्थ इंश्योरेंस अगर कराओगे, इसका मतलब तुम्हारे मन में ये है कि तुम्हें बीमारी कोई ऐसी होगी। 2 लाख का 10 लाख का कराते हो तो तुम्हें ये बीमारी होगी, पक्की बात है, क्योंकि तुमने उस बीमारी की दावत तो दे दी, तुमने उस बीमारी को तुमने न्योता दे दिया है कि ये बड़ी बीमारी या जो जो बीमारियों का उसमें इंश्योरेंस है, वो बीमारी तुम्हारे अंदर आएगी, बच नहीं सकते मेरे अजीजों। मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, नो हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे परिवार के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे चारों ओर छावनी बांध रखी अपने दूतों की। खुदा के कलाम को अगर हम सुनाते हैं तो उस पर मुझे और आपको साबित भी करना है उस चीज को। प्रेज द लॉर्ड, हमारा इंश्योरेंस यीशु मसीह के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका भी इंश्योरेंस खुदा के हाथ में है तो भूल जाइए हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कराते हो तो मत कराना, क्योंकि प्रभु का इंश्योरेंस है। हालेलुया, वो उसने अपने जीवित कलाम में कह दिया कि मैं अपने डरवैयों के चारों ओर क्या रखता हूं, छावनी बना के रखता हूं। तो मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, मेरे कॉलेज में मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, बाकी सबके पास इंश्योरेंस है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस, और सब जा रहे हैं अस्पताल में, बीमारियों में भी जा रहे हैं, हो रही है बीमारियां। क्यों? क्योंकि तुमने जिस नियति से सोचा है, लोग सोचते हैं कि मेरी पेंशन बच जाए, मेरा पैसा बच जाए, वो पैसा मेरा रखा रहे, मेरा जो पैसा है मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखूंगा, कि मैं बीमार हो गया तो मुझे किसी औलाद पर अपना भरोसा नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं उसे करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, वो जिस नियति से, क्यों नियति, क्या नियति है कि जब मैं बीमार पड़ूंगा, इसका मतलब प्रभु को आपने प्रभु पर विश्वास नहीं किया और आपने दावत दे दी है कि जब मैं बीमार पड़ूंगा, हालेलुया, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो ये पैसा मेरे काम। जिस नियति से उस पैसे को जोड़ रहे हो मेरे अजीजों, उस नियति से आपका पैसा खर्च होगा और होगा, हालेलुया, बच नहीं सकते। जो क्योंकि वचन कह रहा है कि तुम्हारी जो जीभ है, तुम्हारी जो जुबान है, उसमें जीवन और मृत्यु दोनों लिखे हुए हैं। अगर जीवन मांगोगे तो जीवन मिलेगा, और मृत्यु लिखोगे तो मृत्यु मांगोगे तो मृत्यु मिलेगी। हालेलुया, क्योंकि उस जुबान में अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं है, इस जुबान में परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। इस जुबान के द्वारा आप कह रहे हैं कि मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तो मेरा ये होगा। हालेलुया, प्रभु के बड़े बड़े सेवकों के पास, बड़े बड़े विश्वासियों के पास ये इंश्योरेंस है। हालेलुया, पेंशन है, जोड़ रहे। प्रेज द लॉर्ड, वो चिड़ियां जो ना तो बोती है ना काटती हैं, वो चिड़ियां जो ना बोती है ना काटती हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें देता है। मेरे साथ एक मुस्लिम भाई बैठे थे, और मैं बता देना चाहता हूं कि उस मुस्लिम भाई के द्वारा मुझसे कहा गया, सर आप जो बात कह रहे हैं हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है इस बात का। तो मैं ने ये, और उस बंदे ने मुझसे ये कहा, उस टीचर ने, कि हाँ जिस नियत से आप जोड़ोगे वो नियत में आपका खर्च होगा। हालेलुया, पहले के लोगों को मैं जानता हूं, हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो बड़े सीनियर लोग थे, प्रभु के लोग तो थे, प्रभु पर विश्वास भी करते थे, लेकिन अपने कफन को अपने बक्से में बंद करके रखते थे। हालेलुया, मैंने अपने कफन और दफन का पूरा इंतजाम कर लिया है, मेरे बच्चों को कोई ढूंढने की परेशानी कर नहीं होगी। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, खुदा के लोगों, खुदा के चुने हुए बंदो, तुम खुदा पर विश्वास नहीं करते, अपने जीव अपनी जुबान पर विश्वास करते। हालेलुया, क्योंकि दुष्ट का काम तो बुरी बातों को आपके मन में डालना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14वां पद कहता है, इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों के आज देखते हो, यत्न करो कि तुम शांति से अपने सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो।
जब मैं और आप अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक परमेश्वर के सामने लाएंगे तो मेरे प्रियो क्या होगा? हालेलुया। यतन करनी है। मैं और आप तो यतन करते ही नहीं, मैं और आप तो ऐसा करते हैं, अरे भैया मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। जो परमेश्वर पिता, जिसने जब मैं अपनी माँ के गर्भ में आया, या आप जब अपनी माँ के गर्भ में आए, उस समय परमेश्वर ने आपका लिखना शुरू कर दिया, आपकी किताब बन गई, और आपके जीवन के लिए वो कह रहा है कि जब तू गर्भ में रचा जा रहा था, जब तू गर्भ में रचा जा रहा था, द्रव्य के रूप में था, तेरा एक द्रव्य था मां के पेट में, उस समय से मेरा ध्यान किस पर है? तेरे पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत सोचो मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई, मेरे अजीज लोग मर गए तो मेरा कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा है, क्योंकि उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब तू गर्भ में रचा जा रहा था, तेरी हड्डियां बन रही थी, तेरा शरीर बन रहा था, उस समय से मैं तुझे देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय से प्रभु मुझे और आपको क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया। उसका ध्यान मेरे और आपके ऊपर लगातार लगा हुआ है। हालेलुया, लगा हुआ है ना। लेकिन मैं और आप किस पर ध्यान लगाएं? दुष्ट के ऊपर लगाएं, उसकी बातों पर लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे अंदर जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की सेवा में, तो हम मसीहों का विश्वासियों का क्या सोच है? हमारे अंदर फूट क्यों है? फूट से मतलब यह है कि शैतान मेरे और आपके मन में फूट डाल रहा है। हालेलुया। और हम टूट जाते हैं। कलीसियाओं में फूट डालता है, लोगों में फूट डालता है, रिश्तों में फूट डालता है, पति और पत्नी में फूट डालता है, बच्चों में और माँ बाप में फूट डालता है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:10 कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु उसके नाम से विनती करता हूं, लोगों से कह रहा हूं, भाइयों और बहनों से भी कह रहा है। यहां लिखा जरूर भाइयों है, लेकिन बहनों के लिए भी संबोधन है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि तुम सब एक ही बात कहो। हालेलुया। हम तो पत्नी ने कहा है तो हम उसकी बात काटेंगे, क्योंकि मैं पति हूं, मैं तो काटूंगा उसकी बात। और कहीं ऐसा है कि पति की बात पत्नियां काट रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? शैतान ने आपके संबंध में फूट डाल रखी है। शैतान चाहता है कि आप एकजुट ना हो, क्योंकि आप एकजुट हो जाएंगे तो परमेश्वर में आप बढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। कलीसिया में क्या एक मन हो? नहीं नहीं, नहीं एक मन ही नहीं है, एक मन ही नहीं है हम। जब हम परिवार में एक मन नहीं है, बच्चों से एक मन नहीं है, तो कलीसिया में कैसे एक मन होंगे? हालेलुया। मन तो हमारा विरक्त चल रहा है, अलग चल रहा है। हमको वो किस्सा याद है कि हनन्याह और सफीरा प्रभु के अच्छे लोग थे, प्रभु के चुने हुए लोग थे, लेकिन शैतान ने उनके मन में डाल दिया कि जो पैसा, जो वायदा किया। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से आपने जो वायदा किया, मनुष्य से वायदा टूट सकता है, अगर परमेश्वर से आपने वायदा कर दिया तो उस वायदे को आपको निभाना है। और वायदा यह है कि अगर आपने परमेश्वर के सामने रखा, मैं तेरी सेवा करूंगा, तो अंतिम सांस तक मुझे और आपको सेवा करनी है, एक मत रहना है, परमेश्वर के साथ एक मत होना है, किसी और के साथ नहीं। वो कहता, वचन बताता है, जागते रहो। हालेलुया। विश्वास में स्थिर रहो और प्रसाद करते रहो और बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 16:13-14 कहता है, हालेलुया। हम क्या है? जागते कहाँ रहते हैं? टीवी में जागते रहते हैं, फोन में जागते रहते हैं, बुराई में जागते रहते हैं, गलत बातों में जागते रहते। हमारे विश्वास में तो स्थिरता नहीं है। किसी ने कह दिया, वो पंडित जी जो है ना, वो आपको भविष्य बता दें, भागे चले जा रहे हैं उसके पीछे।
मैं आगे चले जाना, सब पूछे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के उस अथाह प्रेम को, परमेश्वर पर विश्वास करो मेरे प्रियो। लोग कहते हैं क्या आपने अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के बारे में आपको तो सोच के चलना है, क्या करना है। जब परमेश्वर ने हमें, जो हम उसके बेटे बेटियां हैं, और जब हमें नहीं त्यागा, हमें नहीं छोड़ा, तो हमारे बच्चों को कैसे छोड़ देगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास तो नहीं, बच्चों के कैरियर के बारे में आपको सोचना चाहिए, यही बच्चों के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे करेंगे, क्या वो नौकरी करेंगे, कैसे उनके जीवन में कौन सा विषय उनको दिलाना है, कौन से विषय उनको पढ़ाना है, ताकि वो आगे इस नौकरी में जाए। परमेश्वर को तो ताक में रख दिया, परमेश्वर को तो किनारे पे रख दिया, और अपने दिमाग को लगाने चले। मनुष्य पर विश्वास करने से अच्छा है यहोवा पर विश्वास करो। खुदा का कलाम कह रहा है, लेकिन खुदा के कलाम को तो ताक में रख दिया, इसलिए रख दिया कि उस पर धूल जम गई है। वो धूल बाइबल पे नहीं, वो धूल आपके जीवन पर, आपके मन में, आपके आपके स्थिरता में धूल दिखा गई है। प्रेज द लॉर्ड। ये सोचना है आपको कि क्या आप कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ चलो मेरे प्रियो, परमेश्वर में भरोसा रखो, आपके विश्वास में स्थिरता होनी चाहिए। क्या आप अपने साल भर में पूरा अपने चेकअप कराते हैं मेरे प्रियो? खुदा की नजरों का चेकअप जब हो रहा है, तो फुल बॉडी का चेकअप कौन करेगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब आपकी बॉडी को चेक कर रहा है, अपने लहू के बाड़े में रख रहा है, तो फिर फुल बॉडी चेक हर साल क्यों कराते हो? बड़ी गहरी बात है, विश्वास करना है मेरे प्रियो, विश्वास करना है, ऐसे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कह रहा पुरुषार्थ, यानी कि जो काम है वो करते रहो, और बलवंत किसमें हो? विश्वास में बलवंत हो जाओ, प्रभु में बलवंत हो जाओ। हालेलुया। मेरा जो चाल चलन है वो किसके योग्य है? अपने अधिकारियों को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मेरा चाल चलन ऐसा है। और घर में आके दारू पीते हैं, घर में आके गंदी गालियां बकते हैं, घर में आके अलग उनका चरित्र है, पर्दे के पीछे वो सिगरेट पीते हैं। प्रभु के सेवकों की बात कर रहा हूं मैं, जनरल व्यक्ति की बात नहीं, और विश्वासियों की बात कर रहा हूं। चरित्र दिखाना है तो परमेश्वर की नजर, मनुष्यों को खुश करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। मेरा और आपका चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के योग्य है तो समझ लीजिए आप और मैं बलवंत हैं परमेश्वर के अंदर। हम सबको खुश करने में लगे हुए हैं। मेरा अधिकारी सब, मैं सुबह नहीं सर मैं ये कर लूंगा, मैं आपके घर भी आके आपको सामान दे दूंगा, ये कर दूंगा। दुनिया भर की चमचागिरी करते, दुनिया भर की चमचागिरी करते हैं खुश करने के लिए अपने अधिकारी को। लेकिन एक बात जान लीजिए मेरे प्रियो, अगर खुश करना है तो अपने खुदा को खुश करो। खुदा को खुश करोगे तो जीवन सवल जाएगा, और अगर खुदा को खुश नहीं करोगे तो समझ लो जीवन नष्ट हो जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर आप खुदा को प्रसन्न करते हैं तो समझ लीजिए आप आशीष के कारण हैं। और मैं तुमसे और तुम में हर प्रकार के भले कामों में फल लगे। मेरे और आपके जीवन से कौन से फल दिखाई देने चाहिए? आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि लोग कहें ये तो बहुत शराबी है, लोग कहें ये तो व्यभिचारी है, लोग कहें अरे ये तो नशा करने वाला है, ये भंग का नशा करता है, ये सूखा नशा करता है, ये इसकी निगाह साफ नहीं है। हालेलुया। बहुत से प्रभु के लोगों के बारे में सुनाई पड़ता, वो घरों में जाते हैं जब वो बहने अकेली होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं आप सामने जाते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।
मेरे और आपके काम द्वारा अच्छे फल दिखाई देने चाहिए, आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए। मुझे और आपको किसकी पहचान में बढ़ना है, लूसीफर की या परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ना है? मुझे और आपको परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, जान लो खुदा मुझे और आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत में हम चलेंगे क्योंकि समय अधिक हो रहा है, साम 133 और उसका एक पद। साम 133 और उसका एक पद कहता है, देखो, हर बात में अगर वो कह रहा है देखो, तो आपको और मुझे देखना है। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई लोग कौन है? ये भाई लोग आप और मैं हैं। कितनी मनोहर बात है ये कि लोग आपस में मिले रहे, मैं और आप वचन के द्वारा आपस में मिले हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कह रहा है देखो क्या भली बात है। ये भली बात तो है कि रात्रि में सोने से पहले खुदा के वचन को हम सुन रहे हैं, खुदा के वचन को हम पढ़ रहे हैं, खुदा की संगति हम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने विश्वास में सब भाई बहन मजबूत रहें, प्रभु की संगति में रहें, प्रभु के साथ साथ चले। देखिए जीवन पलट जाएंगे। हालेलुया, जीवन पलट जाएंगे। चाहे रुकावटें हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ऐसी कोई बात हो जो आपको रोकती है। हालेलुया। आंटी जेमसी की, और आपने लिखा सच बात है, जब पर में आप कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू मेरी कलीसिया में जो फूट है, जो गलत बातें हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनके जीवन को मैं तेरे से मांग लेती हूँ। आप उनके जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, जो लोग फूट डालने वाले हैं आंटी, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं तेरे से जो जो व्यक्ति हूँ उनको तुझसे प्रभु तेरे लिए मैं मांग लेती हूँ कि इनके अंदर से जो गंदी आत्मा है, जो बुरी आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, वो फूट की निकल जाए। और उनके जीवन के लिए आप प्रार्थना कीजिए, घुटनों में आके प्रार्थना कीजिए। मेरा और आपका प्रभु उनके जीवनों को आप बदलते हुए देखेंगी। एक परिवार था मेरे, एक मैं और छोटा सा उदाहरण दे दूं अंत में। एक परिवार था, उन पति पत्नी में बड़ी फूट थी, दोनों के संबंध बहुत खराब थे, लेकिन हम उन्हें जानते थे। और क्या हुआ मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, मैं और मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड, हमने बात करी, शेयर करा कि क्यों उस परिवार में ऐसे फूट है, क्यों इस परिवार में टूटन है। और मैं और वो दोनों घुटने में रह के प्रार्थना करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। घुटनों में रह के जब हमने उनके लिए प्रार्थना करी, आज वो पति पत्नी एक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई चीज असंभव नहीं मेरे प्रियो, जब मैं और आप खुदा से, खुदा के सामने रखे और खुदा उस बात को पूरी ना करे, लेकिन विश्वास के साथ घुटनों पे आके मुझे और आपको प्रार्थना करनी। और सच कहता हूं प्रभु के वो दोनों जो परिवार है वो आज साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपसे एक निवेदन है कि आगरा मसीह मंडली के इस पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो यूट्यूब पर है। यूट्यूब हम जितने भी प्रचार, हमारे 3-4 होते हैं, आज सैटरडे है, 4 प्रचार हुए हैं, हमारा ये चौथा प्रचार है, और हम उसे यूट्यूब पर लोड करते हैं। और जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, आगरा मसीह मंडली पेज को, और इस वचन को, जितने भी वचन होते हैं उन सबको मंडलियों में अलग अलग व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ताकि लोग उन वचनों को सुने और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। और आगरा मसीह मंडली पेज को प्रार्थना में याद रखिए, हम लोगों को प्रार्थना में याद रखिए, ताकि हम सब एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते चले। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, जो आपने हमसे किया है प्रभु, और जो विनती, जो निवेदन तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, जो रखे हैं प्रभु,
उनको हाँ और आमीन के साथ पिता परमेश्वर आपने पूरा कर दिया है। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग खुदावन इस फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं और जो इसके बाद देखेंगे प्रभु जी ऑफलाइन, सबको आशीषित करना, अपना अनुग्रह देना। और जितने लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई परेशानी से ग्रस्त हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते खुदावन, प्रार्थना करते जिनके विश्वास में अस्थिरता है प्रभु, उनके विश्वास को मजबूत करना खुदावन, उनके अंदर विश्वास आ सके प्रभु के प्रति समर्पित होने पर। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक विनती आप सबसे और है मेरी, कल रविवार है और परमेश्वर की है कल में जरूर जाए, क्योंकि प्रभुवार को महत्ता देंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 ब्रदर सैमुअल, डॉक्टर ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो कि हमारे भाई सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री के हैं, प्रभु के सेवक हैं और एक बड़े विश्वासी भाई है, कल शाम को 7 से 8 वो प्रचार के लिए आएंगे। और 8 से 9 भाई सुजीत प्रसाद, जो कि हमारा भाई इटावा से है, प्रभु उनको बहुत आशीष दे और वो जुड़ेंगे कल, प्रभु के कलाम को लेके आएंगे। और डेली डिवोशन में रात को 10 से 10:30 जरूर मिलिए, जरूर आनंद उठाइए प्रभु के वचन का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।